अब जुड़ना स्टार्ट कर दो, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। कल मैं पार्टिकल थ्योरी का पार्ट टू करा दूंगी, आज मैं थोड़ा सा पॉलीमर करा देती हूँ। मैंने खुद देखा कि रिसेंट एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं पॉलीमर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है जी, चलिए जुड़ना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय हिंद, जय हिंद बोल दिया करो। क्या तुम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के चक्कर में लगे रहते हो? सबको जय हिंद। अब जुड़ना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है? किसी को बफरिंग, किसी के नेटवर्क में बफरिंग हो रही है, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो एक घंटे का टाइम है, एक घंटे पढ़ लो। कुछ जबरदस्त क्वेश्चन करा दूंगी जो आपके ही काम आएंगे, मेरे तो क्या काम आएंगे, ठीक है? मैं तो यूपीएससी का ही, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल, तो यूपीएससी में तो इससे ज्यादा हाई लेवल आने वाला है मेरे लिए। जिन बच्चों ने अब तक यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा, वो यूपीएससी का फॉर्म भर दें, जो यूपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं। जिन्होंने हमारा यूपीएसआई का बैच अभी तक नहीं लिया, वो बच्चे यूपीएसआई का बैच ले। जो ऑफलाइन यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं वो ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी का बैच को, वो परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यूपीएसआई का बैच जो हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किया है, वो एक टारगेटेड बैच है, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों मिलने वाली है। इसके बाद फाइनली एक नया बैच और आप लोगों के लिए आ रहा है। जी हाँ, एक नया बैच और आप लोगों के लिए आ रहा है, जीएस स्पेशल। जी हाँ, जीएस का, जी हाँ, जीएस स्पेशल बैच आ रहा है। इसका हमारा मेन टारगेट क्या है? एसएससी। जी हाँ, जीएस का जो बैच आ रहा है 8 मार्च से, इसका मेन टारगेट क्या था मैम? इसका मेन टारगेट है एसएससी टारगेट बैच। जी हाँ, 25 मई को होने वाले एसएससी एग्जाम, सीजीएल एग्जाम को हम टारगेट करना चाहते हैं। इसकी फी कितनी है? 799। जी हाँ, 799 इसकी फी है। इसकी टाइमिंग्स रहेगी आपकी रात 8:30 से और 10 बजे तक। जी हाँ, इसकी टाइमिंग रहेगी रात 8:30 से 10 बजे तक, और इसके दिन आपके रहेंगे मंडे टू सैटरडे। जी हाँ, इसके दिन आपके कितने रहेंगे? मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही फिक्स टाइम मिलेंगी, आपको टाइमिंग ज़्यादा भी मिल सकते हैं, यानी कि आपको इवनिंग की टाइमिंग भी इसमें अलॉट हो जाएंगी। तो ये बैच आप परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं। इसमें एसएससी टारगेट बैच में जो भी आपकी करंट अफेयर्स आएगी, जो साइंस एंड टेक आएगी, ठीक है, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कराया जाएगा। मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है पीके, गुड बेटा, अब गुड लक। अगर आपका एग्जाम है तो गुड लक, और आप उम्मीद, मैं उम्मीद करूंगी आप अच्छे से अपने एग्जाम को दें, ठीक है जी। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ज्योग्राफी स्पेशल का बैच आ गया। क्योंकि जब हम ऑप्शनल पेपर लेते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन या तो हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। अब बेसिकली आप फिजिक्स भी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, सब चल जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मेंस तक भी जाता है। तो बेटा ज्योग्राफी स्पेशल का एक बैच और आया हुआ है, जिसको जो इंटरेस्टेड है ये बैच अपना परचेज कर सकता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम फाइनली आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, फाइनली अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मार्कर डन, सब डन, क्लास स्टार्ट करें, जुड़ना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, जुड़ना स्टार्ट कर दो। अभिषेक कश्यप गुड मॉर्निंग, फहीम गुड मॉर्निंग, अनीता गुड मॉर्निंग, सौरभ राठौर गुड मॉर्निंग, और कैपी के गुड गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए जी, जुड़ना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। व्यूज दिखने चाहिए मुझे यहाँ पे, 11 बच्चे लाइव दिख रहे हैं अभी तक, सिर्फ 11 बच्चे लाइव दिख रहे हैं। जुड़ना स्टार्ट करो, तभी मैं कुछ नया स्टार्ट कराऊंगी। और आज हम नया क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम जो नया पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग में थोड़ी बोल्ड डाल देती हूँ, आज जो हम नया पढ़ेंगे वो है पॉलीमर। पॉलीमर, अब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुलक। बहुलक, तो ये हम लोग फाइनली आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब थोड़ी सी बोल्डनेस कम करती हूँ, ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आप सबसे पूछ, दीपक गुड मॉर्निंग, तनुजा गुड मॉर्निंग, अब सबसे मैं पूछूं कि पॉलीमर क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज पॉलीमर, तो क्या बताएंगे मैम पॉलीमर क्या होता है? मैं पूछूं पॉलीमर बहुलक क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? मैं पूछूं बेटा पॉलीमर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? चलो बताना स्टार्ट करो, आपके अकॉर्डिंग आप पॉलीमर को कितना जानते हैं? फहीम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बताओ बेटा आपके अकॉर्डिंग आप पॉलीमर को कितना जानते हैं, बताओ मुझे। आपके अकॉर्डिंग पॉलीमर को आप कितना जानते हैं? देखो बेटा पॉलीमर क्या होते हैं मैम? पॉलीमर वो मटेरियल्स हैं, पॉलीमर्स वो मटेरियल्स हैं, यानी कि वह पदार्थ हैं, We use in daily life, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जिनका उपयोग
हम दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक, अच्छा दैनिक की स्पेलिंग ठीक कर देती हूं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं, है ना। जैसे हम बात करें प्लास्टिक हो गया, हम बात करें रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, जो हम स्कूल बैग कॉलेज बैग लेते हैं, जो हम पर्स लेते हैं, जो हमारे मोबाइल के कवर वगैरह होते हैं, ये सब क्या है? ये सब के सब पॉलीमर्स हैं। ये सब के सब क्या है? पॉलीमर्स। मैम एक से ज्यादा परत से मिलकर बना हो। हाँ बेटा, परत नहीं होता, वहां पे क्या होता है, जब बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर, जब बहुत सारे छोटे छोटे एकलक मिलते हैं, तब क्या बनता है? बहुलक बनता है। तब क्या बनता है? पॉलीमर। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं। मैम ऐसे मेटेरियल्स जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, उनको हम पॉलीमर बोलते हैं। क्यों? क्वेश्चन आता है कि नॉनस्टिकी बर्तन में जो काली कोटिंग होती है वो किस चीज की होती है, रेनकोट किसका बना होता है, अम्ब्रेला का कपड़ा किसका बना होता है, स्कूल बैग किसके बने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रोप तार किसका बना होता है, या फिर जो हम क्लाइंबिंग रोप यूज करते हैं ना, पहाड़ पे चढ़ने के लिए रस्सी यूज करते हैं, वो रस्सी किसकी बनी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पॉलीमर बनना बहुत जरूरी है। चलो जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से मेथड से पॉलीमर बनते हैं, कौन से मेथड से पॉलीमर बनते हैं? पॉलीमराइजेशन से। जी हां, पॉलीमराइजेशन से, यानी कि बहुलकीकरण। जी हां, बहुलकीकरण से क्या बनते हैं? मैम बहुलकीकरण से क्या होते हैं? पॉलीमर बनते हैं। अब देखो मैम, इस पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, हम स्मॉल स्मॉल मोनोमर को जो लेते हैं, स्मॉल स्मॉल मोनोमर, हम अनेक छोटे छोटे एकलक को लेते हैं और हम इन एकलक की क्या बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं और एक यूनिट बनाते हैं। बहुत सारे मोनोमर की एक बड़ी इकाई को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। जी हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे एकलक की एक बड़ी इकाई को हम क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर। एक बहुलक की मूल इकाई क्या होती है? चलो जी बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर, बहुलक की मूल इकाई क्या होती है? बताइए। अमन कुमार ने आंसर दे दिया है, और बच्चे आंसर दीजिए। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर, बहुलक की मूल इकाई किसको बोलेंगे? बताइए बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट बताती जाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर। जी हाँ, बहुलक की मूल इकाई क्या होती है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे मैम? यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे मोनोमर। क्या लिखेंगे? मोनोमर। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, तो मैं बोलूं मानव शरीर की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की मूल इकाई क्या होती है, तो क्या बोलोगे? सेल। जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनती है, टिश्यू मिलने से ऑर्गन, और उससे हमारी बॉडी बनती है ना। इसी तरीके से जब बहुत सारे एकलक मिलते हैं तभी किसका निर्माण होता है? पॉलीमर का निर्माण होता है। किसका होता है? पॉलीमर का। पॉलीमर बहुत प्रकार के होते हैं। जी हाँ, इनके नेचर के आधार पे इसको हम पढ़ेंगे, ये कैसे नेचर के अंदर पाए जाते हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर हम पढ़ेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम किस किस टाइप के पॉलीमर्स का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
जल्दी से ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है? चलो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। विनय चौरसिया जी, दे आर आर वेराइटी ऑफ पॉलीमर्स, और हम वही सारे के सारे पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं, उनके ओरिजिन के आधार पे, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, उनकी क्वालिटीज के आधार पे, ठीक है? नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, क्रॉस लिंकेज होते हैं, लीनियर होते हैं, ब्रांच होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बोला जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि पॉलीमर को हम क्या बोल सकते हैं, तो मैम इनको हम बोल सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोल सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं इनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट, आणविक भार कितना होता है नॉर्मली, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आणविक भार बताओ जी, जो हमारे पॉलीमर्स हैं, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका आणविक भार कितना होता है, बताओ मुझे। क्या किसी को पता है तो बता दो बेटा इसका आणविक भार कितना होता है, और हम किसमें मेजर करते हैं? इसके आणविक भार को हम डाल्टन में मेजर करते हैं, इसके आगे माइक्रो का सिंबल लगा देते हैं, और वो होता है 10^3 से 10^7 माइक्रो डाल्टन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट एनटीपीसी का पूछा गया है। जी हाँ, एनटीपीसी जो अभी फिलहाल रिसेंट में प्री हुआ था 2021 में, वहां पूछा गया है, और मेरी बहन के सेट में ये क्वेश्चन आया था कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जो बहुलक होते हैं उनके जो आपके अणु होते हैं उनका आणविक भार कितना होता है। मैम जनरली हम ये कहते हैं, डाल्टन ने हमको बताया है कि वो कितना होता है 10^3 से 10^7 माइक्रो डाल्टन, ठीक है? डाल्टन में हम उसको क्या करते हैं मैम, डाल्टन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डाल्टन में हम क्या करते हैं मैम, डाल्टन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैम बैच वाले बच्चे भी क्लास ले रहे हैं वाली, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। तो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मैम, अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, वर्गीकरण। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने लिया इनको, इनके ओरिजिन के आधार पर। रुक जाओ, यहां स्टार्ट करती हूँ। क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप के होते हैं। एक बच्चे ने पूछा ना कि मैडम कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जब हमको ये उत्पन्न हुए तब ये कैसे कैसे पाए गए। तो एक तो होता है बेटा आपका नेचुरल पॉलीमर, एक कौन सा होता है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, इनको आप बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है जी। फिर एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, इनको बोलते हैं कृत्रिम। अब एक होते हैं सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अब मेन क्वेश्चन आता है कि मैम सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैम सेमी सिंथेटिक मतलब क्या होता है। देखो बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल को एक नाम और देते हैं संश्लेषित, क्या देते हैं संश्लेषित। अब सीधी सी बात है, आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना पड़े भाई। जो हमें नेचुरल, जो हमें प्रकृति में मिला, जैसे कि प्रोटीन,
प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, हमारे खून के अंदर पाया जाता है, तो प्रोटीन किस प्रकार का आपका पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर। और मैं बोलूं व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, चलो बताओ। जैसे हम बात करेंगे स्टार्च की, हम बात करेंगे सेलुलोज की, या अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली पाए गए हैं, इनको हमने बनाया नहीं है। तो कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो आपके नेचर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन शरीर के अंदर इनबिल्ट है। जी हाँ, प्रोटीन शरीर के अंदर इनबिल्ट है। तो अगर मैं पूछूं प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोटीन का एक लग क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट करो। गुड मॉर्निंग, बताइए बताइए व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? बायो में आकृति मैम ने पढ़ा रखा है आपको, नेचुरल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं मैम? इसको आप सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लो, मैंने ये और लिख दिया। अब बताओ व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का मोनोमर क्या आएगा बेटा? अमीनो एसिड। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए। मैं बोलूं बेटा डीएनए का मोनोमर क्या होता है, बताओ व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, बताओ। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, तो प्रोटीन का एक अलग क्या होता है? अमीनो एसिड। अब कोई पूछे डीएनए का मोनोमर क्या होता है, क्या बताओगे, बताओ जल्दी से, डीएनए का मोनोमर क्या होता है, क्या बताओगे? जी हाँ, चौरसी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, रश्मि ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अमित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोहित गुप्ता, लिम्फ कहां से लिख दिया? लिम्फ का मतलब क्या होता है बायो में? जो व्हाइट कलर से दर्शाता है, तो लिम्फ नहीं आएगा बेटा वहां पे। प्रेजेंट ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात। अभिषेक ने न्यूक्लियोटाइड बोला डीएनए का, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोटाइड। अभिषेक ने बिल्कुल सही बोला बेटा, क्या कि मैम इसका आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यूपीएससी का फॉर्म स्टार्ट हो गया, हाँ बेटा यूपीएससी का फॉर्म स्टार्ट हो गया, भर सकते हो, मैंने भर दिया अपना, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्या हो गए मैम? ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल, ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक की, तो मैं यहां लिख सकती हूं नायलॉन 6, ठीक है। मैं यहां क्या लिख सकती हूं? नायलॉन 6, नायलॉन 6। मैं यहां लिख सकती हूं रेयन, मैं क्या लिख सकती हूं? रेयन। तो ये सब क्या हो गए मैडम? ये सारे हो गए आपके सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल। अगर हम बात करें सेमी सिंथेटिक, तो सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या होता है मैडम? इसमें आधा पोर्शन नेचुरली होता है यानी कि प्राकृतिक वाला होता है, और आधा पोर्शन कैसा होता है? सिंथेटिक होता है। आधा पोर्शन कैसा होता है? सिंथेटिक। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या जाता है? सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट। क्या जाएगा? सेल्यूलोज एसीटेट। जरा बताना सेल्यूलोज एसीटेट का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, जरा बताओ 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 कि सेल्यूलोज एसीटेट का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, बताओ जल्दी से आंसर। ये लेसन कल पूरा हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। पहला सिगरेट फिल्टर्स में यूज करते हैं, सिगरेट फिल्टर में हम इसका यूज करते हैं, और दूसरा यूज कहां करते हैं? फिल्म फोटोग्राफी में, फिल्म फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं, फिल्म फोटोग्राफी में हम इसका यूज करते हैं। नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा इतना। फाइनली आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, कल तबीयत मेरी ज्यादा खराब थी, आज पढ़ाने लायक मेरी कंडीशन है, इसलिए आज मैं पढ़ा रही हूं। बेटा ये बैच तो चल ही रहा है आपका, 11 से 12 चलता ही है, ये तो फ्री बैच चलता है। हां जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा लोग इसका।
सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल में एग्जांपल आ गया मैम पॉलीमर, एग्जांपल आ गया डीएनए। तीसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, स्टार्च लिख सकते हो, स्टार्च लिख सकते हो। ये भी क्या आ गया मैम, नेचुरल का आ गया। सिंथेटिक में क्या आ गया मैम, नाइलॉन आ गया, रेयन आ गया, नाइलॉन 66 आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी सिंथेटिक, तो मैम इसमें आधा नेचुरल हिस्सा होता है और आधा आर्टिफिशियल, जैसे कि सेल्यूलोज एसिटेट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं मैम, सिगरेट फिल्टर्स में इस्तेमाल करते हैं और फिल्म फोटोग्राफी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा कुमार, मैंने पहले ही बोल दिया मेरी ये जो क्लास है ये ऑल एग्जाम्स के लिए है, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए नहीं करा रही हूँ। अगर मैंने बोल दिया मैं ऑल एग्जाम्स का पैटर्न लेके चल रही हूँ, तो आप बार बार ऐसा क्यों पूछते हैं कि मैम ये एस आई में आएगा या ये सीजीएल में आएगा। बेटा सारे एग्जाम्स का एनालिसिस करा के तभी मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपको दे रही हूँ, कि शायद कहीं ना कहीं क्या हो जाए, शायद कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या हो जाए, वही फायदा हो जाए। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैम इनको इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि इनकी संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, संरचना के आधार पर। अब संरचना कैसी मैडम, कहीं कहीं पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड, कहीं कहीं पाया जाएगा डबल बॉन्ड, और कहीं कहीं क्या पाया जाएगा, ब्रांच बॉन्ड। ठीक है, तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे तीन टाइप के होते हैं बेटा लोग, ये भी कैसे होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तो हेडिंग डाल दें। हाँ जी मैम, थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूं। जैसे कि सबसे पहला आता है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर जिसमें एक ही रेखा बनी होती है, इसको बोलते हैं रेखित, रेखित है ना, एक ही लेयर में, जी हाँ एक ही लेयर में सारे पॉलीमर्स लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका ब्रांच पॉलीमर, इसको हम बोलते हैं साखित, साखित जैसे कार्बन में नहीं होता एक ब्रांच, तो भाई ये इस टाइप से ये अलग ब्रांच लग गई, 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 तो एक होता है साखित। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है क्रॉस लिंकेज, क्रॉस लिंकेज, इसको बोलते हैं त्रियक, त्रियक। ठीक है, एक लिंकेज ये हो गई, फिर एक लिंकेज इसी के नीचे हो गई, फिर एक लिंकेज इसी के नीचे हो गई, फिर एक लिंकेज इसी के नीचे हो गई। ठीक है, तो मैम इस टाइप से क्या होते हैं, इस टाइप से हमारे पॉलीमर्स होते हैं मैम। एक होते हैं क्रॉस लिंकेज जो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, देखो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है मैम, एक होते हैं ब्रांच की एक लाइन तो ऐसे गई, फिर एक लाइन ऐसे गई, मतलब ये जुड़े हुए नहीं होते, ये यहां से जुड़े हुए नहीं होते। और एक होता है जिसमें एक ही रेखा के अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, एक हो गया डबल बॉन्ड, और एक क्या हो गया क्रॉस लिंकेज, एक क्या हो गया त्रियक। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन आएगा मैम इनके एग्जांपल्स क्या है, अब क्वेश्चन क्या आएगा इनके एग्जांपल्स क्या है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स पढ़ने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि इन तीनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, इन तीनों में से डेंसिटी यानी कि घनत्व किसका ज्यादा होता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। चलो जी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है मुझे आप आंसर दे, किसकी डेंसिटी ज्यादा है मुझे आप आंसर दे। अगर आपके सामने तीन बॉन्ड दे दिए जाए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसको तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, मुझे आंसर दो। राज क्या नहीं आ रहा बेटा, सीधी सी बात है, कार्बन पढ़ा है आप लोगों ने, देखो जरा कार्बन देख लो, कार्बन में क्या होता है मैम, कार्बन में ना इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, एक तो बॉन्ड ऐसे मिलते हैं कार्बन के अंदर, एक बॉन्ड ऐसे मिलता है कि एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, है ना, तो ये क्या हो गया ब्रांच हो गया। एक ऐसा होता है कार्बन में बॉन्ड इस तरीके वाला, तो सपोज करो ये वाला कौन सा हो गया, क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक वाला हो गया।
ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, ब्रांच वाला हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, लीनियर। सेम बात उसके अंदर है, पॉलीमर के अंदर, जो पॉलीमर के आपकी स्मॉल यूनिट एक लंबी रेखा में चलती है उसको बोलते हैं रेखित पॉलीमर, जो आपकी ब्रांच में चलती है इसको बोलते हैं शाखित, और जो क्रॉस लिंकेज बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, त्रियक पॉलीमर। सिंपल सी बात है मैम, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में ब्रांच वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक में क्या दिख रहा है, क्रॉस, क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। अब बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया कि मैम सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा, तो यहां से इन तीनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, लीनियर की। जी हाँ, लीनियर की डेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद डेंसिटी किसकी पाई जाएगी, ब्रांच वाले की, और उसके बाद किसकी पाई जाएगी, क्रॉस वाले की। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर ब्रांच और क्रॉस पॉलीमर में। जी हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2012, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2012, यानी कि आज से लगभग 11 साल पहले क्वेश्चन आया था कि लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, तो मैम घनत्व उसका ज्यादा होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो एक सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा मिलेगी मैम, लीनियर पॉलीमर्स की डेंसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका एग्जांपल दिखवाऊंगी कि लीनियर का एग्जांपल क्या मिलेगा आपको, ठीक है, आपको ब्रांच का एग्जांपल क्या मिलेगा और क्रॉस लिंकेज का एग्जांपल क्या मिलेगा। हो गया जितना, प्रीति थैंक यू, दियर थैंक यू, नायन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी बताओ बेटा इतना आंसर हो गया। आगे लिखो इसके एग्जांपल, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अगर मैं बोलूं लीनियर का एग्जांपल क्या जाएगा, तो लीनियर का एग्जांपल जाएगा नेचुरल रबर, क्या जाएगा, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। मैं आपको ये भी लिखवाऊंगी प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर क्या होता है, मैं आपको लिखवाऊंगी जो आप पीवीसी यूज करते हैं पीवीसी का मोनोमर क्या होता है, आपको रेयन का मोनोमर लिखवाया जाएगा, आपको नायलोन का मोनोमर, आपको सारे मोनोमर प्रॉपर टाइप लिखवाए जाएंगे। अगर हम बात करें लीनियर, तो लीनियर का एग्जाम्पल क्या होगा, प्राकृतिक रबड़, क्या होगा, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रांच की, तो ब्रांच का एग्जांपल क्या होएगा, आर्टिफिशियल रबड़, आर्टिफिशियल रबड़, आर्टिफिशियल रबड़, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रबड़। और अगर हम बात करें क्रॉस लिंकेज की, क्रॉस लिंकेज की, तो क्रॉस लिंकेज का एग्जांपल क्या होता है, बेकेलाइट, बेकेलाइट, और क्या मिलेगा, मेलामाइन, मेलामाइन और बैकेलाइट किसका एग्जांपल है मैम, मेलामाइन और बैकेलाइट किसका एग्जांपल है, आपके क्रॉस लिंकेज का। और एक बात याद रखना, आजकल मेलामाइन का पाउडर बनाया जाता है, आजकल मेलामाइन का पाउडर बना के कहां पे ऐड किया जाता है, दूध के अंदर, जिससे दूध की मलाई जो होती है वो ज्यादा, यानी कि मैम दूध में फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा, दूध में फैट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और चाइना के अंदर बहुत चल रहा है, इंडिया में भी आने लगा है। जी हाँ, आजकल क्या हो रहा है, दूध में बहुत ज्यादा मोटी मलाई आती है जो कि नहीं आनी चाहिए थी, वो क्यों है मैम, मेलामाइन क्या करता है, मेलामाइन पाउडर की फॉर्म में दूध के अंदर मिला दिया जाता है, और क्या करता है, दूध में जो वसा होता है वसा की मात्रा को बढ़ाएगा, और जब दूध में वसा बढ़ेगा तब उससे क्या होगा, दूध के अंदर एक मोटी परत आनी चालू हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा मिल्क के अंदर कौन सा पॉलीमर मिलाने से उसमें फैट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्वेश्चन क्या आएगा, दूध के अंदर कौन सा पॉलीमर मिलाने से उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है, तो निशान क्या लगाएंगे, मेलामाइन, निशान क्या लगाएंगे, मेलामाइन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगी, ये हमारे लिए नुकसानदायक होएगा कैसे बताती हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, अब देखो जरा, मेलामाइन हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, मेलामाइन हमारे लिए हार्मफुल क्यों है,
देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बायो है। सबसे पहला मैडम यह फैट को इंक्रीज कर देता है, ये फैट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है मैम, फैटी लीवर होने के चांस हो जाते हैं। क्या होते हैं मैम, फैटी लीवर होने के चांस हो जाते हैं। सबसे पहला फैटी लीवर किस वजह से मैम, इसका एक रीजन क्या है, जो हम आजकल थैली वाले दूध पीते हैं उसका रीजन एक क्या होता है, फैटी लीवर होने का चांस। यानी कि मैम हमारा यकृत कैसा हो जाता है, बस ये कहते हैं लीवर फैटी हो गया, अरे मैं तो कुछ खाता भी नहीं, मैं तो सिर्फ दूध दूध पीता हूँ, तो दूध के अंदर ही सब कुछ बेड़ा गड़क हो गया और लीवर क्या हो गया, फैटी हो गया। उसके बाद में सेकेंड किडनी डिजीज हो जाती है, किडनी फेलियर, किडनी फेलियर है ना, डायलिसिस। क्या करते हैं मैम, किडनी फेलियर हो गई तो डायलिसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो किडनी फेलियर का एक रीजन कहीं ना कहीं मेलामाइन भी पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड क्या होता है, आपको पता है ये आपका लंग्स है, अगर मैं ये फेफड़े बना दूं आपके, एक ये और एक ये मैंने आपके फेफड़े बना दिए, तो आपको पता है कि आपके फेफड़ों के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, जरा बताना। आपके लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, जरा इस लेयर का नाम बताओ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बताने जा रही हूं। आपके लंग्स के ऊपर जो ये लेयर पाई जाती है, जरा मुझे इस लेयर का नाम बताओ, आपके फेफड़ों के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, पूनम आप पढ़ते रहो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ने वाले मैं उन्हीं को पढ़ाती हूँ, बताओ जल्दी से। अगर ये मैं बोलूँ ये आपके लंग्स है, तो लंग्स की ऊपर जो बाहरी परत होती है, लंग्स के ऊपर जो बाहरी परत होती है उस परत का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताओ मुझे। वी हैव तीन बकलो एंड वन काओ। ओहो नलायको, तुमसे मैंने बोला तुम्हारे पास कितनी भैंस है, तुम भैंस के भुया पढ़ने आए हो या अपना पढ़ने के लिए आए हो, जल्दी से बेटा। हमारे लंग्स के ऊपर जो लेयर पाई जाती है उस लेयर का नाम क्या होता है, प्लूरा। और मेलामाइन क्या करता है, इस प्लूरा को डैमेज कर देता है, और जब आपकी ये प्लूरा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तब आपको क्या होगा, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। पहला मैम लीवर को फैटी करता है, दूसरा किडनी फेलियर कर देता है, तीसरा हमारी इस लेयर को डैमेज करेगा, इससे हमारे फेफड़े क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में जैसे कि हम बात करते हैं घी और फैट, घी और हम करते हैं तेल, तो हम कहते हैं कि जो घी होता है वह हजम होने में बहुत नुकसान करता है। क्यों, घी के अंदर आपके सिंगल बोन्ड पाए जाते हैं। बेटा सिंगल बोन्ड मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बोन्ड, ठीक है। जब आपका क्या है डबल ट्रिपल है तो उसमें लेयर्स जुड़ जुड़ के बन रहा है, लेकिन आप ट्रिपल को तोड़ेंगे टूट सकता है, आप डबल को तोड़ेंगे टूट सकता है, लेकिन जो सिंगल है, सिंगल और कितना छोटा होएगा, तो जो आपके मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, स्ट्रॉन्गर कहां पे होता है, सिंगल बोन्ड के अंदर पाया जाता है। जाट बॉय ऑफलाइन कहां पढ़ाते हो, आ जाओ भाई मुखर्जी नगर में, तुम्हें ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे। ठीक है, हो गया प्लूरा, हाँ ठीक है बेटा अनीता। तो प्लूरा को क्या करता है, डैमेज करता है। ये हो गई इतनी बातें किसके बारे में, इतनी बातें हो गई आपके मेलामाइन के बारे में, किसके बारे में, मेलामाइन के बारे में। अब देखो बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लैक कलर से लिख देती हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अंतर आणविक बल। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, अगर मेरे पास ये कोई मटेरियल है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में कितना बल लगा रहे हैं, उसी बल को हम क्या बोलेंगे, इसी बल को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, द फोर्स बिटवीन, फोर्स फाउंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैटीरियल, मटेरियल, एक पदार्थ के कणों
के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आपका मटेरियल होता है, जो भी आपका पदार्थ होता है, उसके जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो आपकी फोर्स लगती है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एक पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला बल या फोर्स फाउंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और अब हम यही पढ़ेंगे कि कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है और कौन सी क्या होती है? वीक पाई जाती है। बेटा गॉल ब्लैडर का अभी तक बताया नहीं है, गॉल ब्लैडर का अभी तक नहीं बताया है। अरे मैडम इस बैच में पढ़ाएंगी, क्यों नहीं पढ़ाएंगी? चलो जी हो गया इतना, आगे लिखो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इलास्टोमर, प्रत्यास्थ, सेकंड फाइबर। सेकंड फाइबर इसको हम क्या बोलते हैं? रेशे या फिर रेशा। फोर्थ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोसेटिंग डाल दो खाली, ठीक है, थर्मोसेटिंग। ताप दृढ़क, और लास्ट किया जाएगा थर्मोप्लास्टिक, ताप संघट्य। ये है आपके चार, किसके आधार पर मैम? इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर। ये किसके आधार पर है मैम? यह है इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर है, ठीक है, इसको आप टैग बना देना। अब बताओ इलास्टोमर्स क्या होते हैं, बताओ जल्दी से इलास्टोमर्स क्या होते हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताऊंगी, वो यहां पे पाए जाएंगे कहीं पे, वंडरवाल फोर्स और कोवलेंट बोल, जल्दी से बताओ व्हाट आर इलास्टोमर्स, व्हाट आर इलास्टोमर्स, जल्दी से बताओ। पढ़ रखा है आपने? जी हाँ पढ़ रखा है, 9th-10th में आप लोगों ने। इलास्ट मतलब क्या लग रहा है? इलास्ट मतलब क्या लग रहा है मैम? इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर, जो अपने आप में क्या कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, लचीले, जो अपने आप में लचीले होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर बोलते हैं। और मैडम इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा पुअर होती है, तो क्या लिखेंगे? पुअर डेंसिटी, पुअर डेंसिटी, सबसे कम घनत्व इनका पाया जाता है। इलास्टोमर के बारे में दो बातें आपको जाननी है, इलास्टोमर क्या होता है मैम? इलास्टोमर इलास्टिक इन नेचर होते हैं और लचीले होते हैं, और इनके घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। अब अगर हम बात करें फाइबर, रेशा, तो भाई फाइबर क्या होते हैं जल्दी से बताओ, फाइबर क्या होते हैं जल्दी से बताओ। हाँ हाँ सिद्धांत ने बिल्कुल सही बोला बेटा, सिद्धांत बिल्कुल सही बोला आपने। अगला बताओ जी फाइबर क्या होते हैं? भाई फाइबर मैम, फाइबर को जरा मैं यहां लिखवाती हूं। अगर हम बात करते हैं फाइबर्स की, तो मैडम हमको पता है ये क्या होते हैं? रेशे होते हैं। ये क्या होते हैं? रेशे, जिनका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? कपड़े बनाने के लिए करते हैं, क्लॉथ मेकिंग के लिए करते हैं, इसके अलावा कहां करते हैं? रोप मेकिंग के लिए करते हैं, है ना मैम? बहुत जगह इनका यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइबर्स की, तो बेटा फाइबर्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है? फाइबर्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है? फाइबर्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है ये बताओ। इसका आंसर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एनटीपीसी पूछ चुका है,
ये एनटीपीसी 2016 में पूछ चुका है कि जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे मैम इसमें? हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। पीके कहाँ चल दिए एग्जाम देने? चलो गुड लक बेटा, आपके एग्जाम के लिए आपको गुड लक। रामायण नहीं लिखवा रही कि मैं रामायण लिखवाते चलू, शॉर्ट टर्म नोट्स बनवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो याद रखना जो आपके फाइबर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मैम हमारे फाइबर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, ठीक है, और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें, यहाँ पे हमने ले लिया रेयोन, ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे क्या नाइलोन, तो ये सब क्या हो गए मैम? ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल। अगर हम बात करें नेचुरल में सिल्क, वूल, तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके कौन से? नेचुरल। और कल एक क्वेश्चन भी आया था कि एंगोरा वूल कहां से मिलती है। कल एक क्वेश्चन क्या आया था, एंगोरा वूल कहां से मिलती है? मैंने क्या कहा था बेटा, फाइबर से एक क्वेश्चन आता है। और कल जो मैंने आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया था ना, कल जो मैंने साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराया था, तो साइंस स्पेशल के प्रैक्टिस सेट में कल एक क्वेश्चन आया था कि एंगोरा ऊन कहां से मिलती है। जरा आंसर बताना, इंटरमोलिकुलर फोर्स मैं कुछ देर पहले लिख चुकी हूं, अंतर आणविक बंध। अब एक ही बात को आप कितनी बार पहले तो हिंदी में लिखवाएंगे। उसके बाद नेचुरल मैं आपको बता चुकी हूं प्राकृतिक होता है, मैंने लिखवा दिया। आर्टिफिशियल को हम कृत्रिम बोलते हैं, मैं पहले भी लिख चुकी हूं। तो कहां बेटा इंग्लिश और हिंदी की बात रह गई? क्लॉथ मेकिंग कपड़े बनाना, आपको नहीं पता रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी बनाने में। तो कहां इंग्लिश हिंदी की बात आ गई? मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है एंगोरा रैबिट से। जी हाँ, एंगोरा वूल कहां से मिलती है? एंगोरा रैबिट से। बेटा इतने भी हिंदी मीडियम वाले ना बोलो कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। जहां हिंदी जितनी लिखवाई जाती है मैं उतनी लिखवा देती हूं। तो याद रखना मैम जो फाइबर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आपके आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन वूल से आया था कि जो वूल होती है उसमें एंगोरा ऊन जो होती है वो हमको कौन से प्राणी से मिलती है? मैम वह हमको मिलती है एंगोरा रैबिट से। किससे मिलती है? एंगोरा रैबिट से मिलती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मैम? अब हम पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो यहां मैं लिख देती हूं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, ताप संघटय, ठीक है जी। और यहां पे क्या आ जाएगा? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आते हैं ताप दृढ़क, ताप दृढ़क, ठीक है जी, दृढ़क। चलो जी अब बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? बताओ इनमें डिफरेंस क्या मिलेगा? सबसे पहला डिफरेंस बता दो इनका क्या मिलेगा आपको इसमें? सबसे पहला डिफरेंस बता दो क्या मिलेगा आपको? एक मिनट रुकना, हां जी बोलिए। बाइलिंगुअल क्लास नहीं है भाई, बाइलिंगुअल है क्यों नहीं है बेटा? अब साहू ने बोला मैडम इंग्लिश, मैडम हिंदी, बेटा मैं तो दोनों तरीके से पढ़ाऊंगी। बताओ थर्मोप्लास्टिक की सबसे पहली क्वांटिटी क्या होती है? मैडम इनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि एकल सिंगल हीट स्टेबल होते हैं। मैम फोन भी आ रहा है बेटा, ये कंपनी वाले दुखी करते हैं, मैंने इनका फोन ये साइलेंट मार दिया, दुखी कर दिया एयरटेल वालों ने। एकलक सह संयोजन बंध, एकलक सह संयोजन बंध सबसे पहला, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर
एक बॉन्ड और पाया जाता है वीक वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स। अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग तो मैम यहां पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग 3D कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग 3D कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग 3D कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला हमने किसके आधार पर पढ़ा, बंध के आधार पर। सबसे पहला हमने बंध के आधार पर क्या पढ़ा कि मैम एक जगह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि एकलक एकल हो गया, हाँ एकल सह संयोजन बंध और वीक वंडरवाल फोर्स। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है मैम, थर्मोसेटिंग में 3D कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन से होते हैं, 3D कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब अगला, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई लूंगी और किसका लो लूंगी, तो हम क्या लिखते हैं मैडम, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक बिंदु कम होता है, कम गलनांक बिंदु, कम गलनांक बिंदु, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग की, तो इसका हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम क्या लिख देंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई। एक एक पॉइंट डिफरेंस याद करके चलना, बहुत सारे डिफरेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या था मैम, सबसे पहला डिफरेंस था, अच्छा 11:48 हो गए, हाँ क्लास को भी टाइम करने का टाइम आ गया मैम। एक क्या है, एक में है आपके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक का मेल्टिंग पॉइंट लो, एक में है 3D कोवलेंट बॉन्ड, और एक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है मैम, एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम बात करें मैम, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, और यहां पर क्या पाया जाता है, क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक, यहां पे क्या पाया जाएगा, क्रॉस लिंक, यहां पे क्या पाया जाएगा, क्रॉस लिंक। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे थोड़ा सा मिटा दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने जा रही हूं, डेंसिटी। यहां पे एक कॉन्ट्रोवर्सी आ गई, अगर इन्होंने डेंसिटी पूछी तो हमने क्या बोला था, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। डेंसिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड बड़ा होता चला गया उतना उसने एरिया ज्यादा लिया, और जितना ज्यादा एरिया लेगा, जितना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, उतनी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी के आधार पर सबसे मिनिमम किसकी होती है, इलास्टोमर्स की, और सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, थर्मोसेटिंग की। इसको लिख लो, इतना लिखो फटाफट से, इतना लिखो नायन राज। बेटा मैंने तो बहुत पैटर्न पढ़ाए हैं, बता दो मैंने कहां पढ़ाया, इससे पहले क्रॉस लिंक के क्या बोलते हैं ये मैं लिखवा चुकी हूं, लीनियर को क्या बोलते हैं ये मैं आपको लिखवा चुकी हूं, इसको हम बोलते हैं रेखित, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रियक, त्रियक। मैंने कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मैंने खाली हिंदी में लिखवाई, जो मैंने खाली इंग्लिश में लिखवाई, ठीक है। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इन दोनों में से गर्म करने पे सॉफ्ट कौन हो जाता है, क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पे कौन सॉफ्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आता है, बताओ इन दोनों में से गर्म करने में सॉफ्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट तो हिंदी है, किस चीज का सब्जेक्ट हिंदी लिख लिया तुम लोगों ने, इतना हो गया। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टीपी मतलब है थर्मोप्लास्टिंग और टीएस मतलब है थर्मोसेटिंग। अब बताओ ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग विच बिकम सॉफ्ट, विच बिकम सॉफ्ट, गर्म करने पे कौन मुलायम हो जाता है, गर्म करने पे यानी कि गर्म या फिर ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर कौन मुलायम हो जाता है,
कौन मुलायम हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एक प्रॉपर्टी बनती है, जल्दी बताओ। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ताप दृढ़क और ताप संघटक में गर्म करने पे कौन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है? टीपी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैन बी रीमाउल्ड। हम इनको बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, कैन बी रीमाउल्ड, बार बार बना सकते हैं, बार बार तोड़ के तोड़ कर बना सकते हैं, बार बार तोड़ कर बना सकते हैं। और इसी के लिए हम क्या लिखते हैं, रिसाइकल वर्ड यूज करते हैं, तो मैं लाल कलर से लिखूंगी इजिली रिसाइकल्ड, इजिली रिसाइकल्ड, इजिली रिसाइकल्ड। ठीक है बेटा, रिसाइकल का मतलब तो आप सबको पता है ना, रिसाइकलिंग क्या होता है, खराब चीज को दोबारा से ठीक करके बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल बोलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम कल स्टार्ट क्या करेंगे, इसके एक दो पॉइंट्स और करके कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, कम से कम 12-15 पॉलीमर्स के यूज और उनके मोनोमर्स क्या होते हैं, ये कल पढ़ेंगे, और कल आपका ये लेसन क्या हो जाएगा पूरा, और परसों फिजिक्स का रिवीजन कराऊंगी, परसों फिजिक्स की पार्टिकल थ्योरी पूरी करा दूंगी, पार्टिकल थ्योरी पार्ट 2 परसों फिजिक्स की पूरी हो जाएगी। आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, बैच में है बेटा, फिजिक्स की क्लास एक बैच में है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, इसको दोबारा ढाला जा सकता है, आप लिख सकते हो इसको हम दोबारा ढाल सकते हैं, ढाल सकते हैं, लो जी, और ढालना लिख दो, कैन बी रिमाउंड, जिसको हम बार बार बना सकते हैं या बार बार ढाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल इस लेसन को हम पूरा करेंगे, परसों फिजिक्स का एक लेसन जो हमारा पार्टिकल थ्योरी पार्ट 2 है वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 कराया ही नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ जी, कल फिर से आशीष रॉय, गुड बाय बेटा, कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे, कल ये लेसन पूरा कर लेंगे, जब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।